मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सवात, कुशामाला और स्कर्दू में शदीद जलजला आया। लोग कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, कोहाट, दीर और चित्राल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, हरिपुर और मालाखंड में भी जलजला महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिदत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के ये शदीद झटके महसूस किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सवात, कुशामाला और स्कर्दू में शदीद झटके महसूस किए गए जलजिले के, जिसके बाद लोग कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर जलजिले की शिदत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला था। नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, कोहाट, दीर और चित्राल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा, बताइएगा इस बारे में क्या बताया जा रहा है जलजला पैमा मरकज की जानिब से। जी, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद दो कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। यहाँ पर बताते चले कि लाहौर, गिलगित, शेखुपुरा, कालाशाह, काकू, एबटाबाद, नथिया गली, मुजफ्फराबाद, मंगला, मीरपुर में जलजले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और जो जलजला पैमा मरकज है उसका ये बताना है कि इस जलजले की शिद्दत 6.4 थी, जबकि गहराई 80 किलोमीटर बताई जा रही है। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान बताया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया ज़ारा काजी, आपने अपडेट किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सवात और गुजरांवाला के साथ साथ स्कर्दू में भी शदीद जलजला महसूस किया गया। इसी पर हम बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे इकराम राजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इकराम, शदीद जलजले के झटके लाहौर में भी महसूस किए गए? जी उस्मा, लाहौर में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए और ये ड्यूरेशन काफी देर तक जारी रहा। तकरीबन 7 से 8 सेकंड का ये ड्यूरेशन था और बड़ी जोर के साथ ये जलजले की शिद्दत महसूस की गई और लोग अपने घरों से बाहर निकले। अगर इसकी जो शिद्दत था उसकी बात की जाए तो 6.4 इसका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया और इसकी डेप्थ 80 किलोमीटर बताई जा रही है और 38 और 12 के ये लेंथ और नॉर्थ की तरफ से बताया गया, जिसका जो एपिसेंटर है ताजिकिस्तान की पहाड़ियां बताई जा रही हैं। लाहौर में अगर हम अभी तक की जो जलजले के आफ्टर शॉक्स की बात करें तो किसी किस्म की कोई जानी या किसी माली नुकसान की इतलाक हो के नहीं है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसे घर जो कमजोर बुनियादें रखते हैं या जो छतें कच्ची छतें होती हैं, कच्ची आबादियां होती हैं, उनके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी मालूमात सामने नहीं आई कि जिससे हम ये कह सकें कि कोई बड़ा कोई खुदा ना करे को नुकसान हुआ हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें लाहौर के गतनवा में, जैसे कि कसूर और दीगर पाक वतन पत्तों की और दीगर जो ओकाड़ा साइड के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी तरह जो गुजरांवाला का इलाका है और शेखपुरा और इसके जो लाहौर के जो जितने भी गिरदनवा के इलाके हैं, यहाँ से भी इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे लोग घरों से बाहर निकले हैं और जलजला एक शिद्दत के साथ, एक तवील अरसे के बाद हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाकया पेश आया हो। इससे पहले भी 2005 में एक बड़ा जलजला आया था जिसका जो मरकज था वो शुमाली इलाका जात, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो। शुक्रिया इकराम राजा, आपने अपडेट किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक खुशकिस्मती से मुल्क के किसी भी हिस्से से किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई।